नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षा के सेंटर में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब कॉलेजों में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि 2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर निर्धारण उसी स्कूल में किया जाएगा। इसमें पर्याप्त आधारभूत संरचना हो। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा का केंद्र अब कॉलेजों में नहीं बनाया जाएगा। इसके जगह दूसरे केंद्रों की तलाश करने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी तैयारी शुरू करने को भी कहा है। आगामी मैट्रिक और इंटर परीक्षा में छात्रों के बैठने की समस्याओं के अलावा उपस्कर की भी कमी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से आयोजित की जाने वाली वार्षिक इंटरमीडिएट और माध्यमिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए डिग्री महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा संचालन और वर्ग संचालन साथ साथ हो सके, इसके लिए आधारभूत संरचना में विकास करने की आवश्यकता हो तो अर्जेंट काम फिर से शुरू कर पूरा कराया जाएगा। भले ही विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है, लेकिन परीक्षा केंद्रों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि हर साल छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। डिग्री कॉलेज को केंद्र नहीं बनाने की वजह से शिक्षा विभाग को काफी परेशानी हो सकती है। दूसरी ओर छात्रों को भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। अब की बार ग्रामीण क्षेत्र के मध्य और हाई स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।